हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टू डी में। आज हम डिस्कस करने वाले कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। इस स्टॉक में देखे तो आज के दिन 2 रुपए 40 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 0.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 1% की तेजी देखने को मिली है, 1 महीने में 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, 3 महीने में 15%, 6 महीने में 24% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है, परंतु 1 सप्ताह से देखें तो इस स्टॉक में अब एक मोमेंटम देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक के निचले लेवल पर स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 640 रुपीज। 640 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक अब देखें तो लगातार स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का नीचे का एक लो बनता हुआ नजर आया 296 रुपीज। 296 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे के एक लो बना और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 300 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 400 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।